हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बी क्रिएटिव में। यहाँ की आप देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल सा हिबिस्कस का पौधा है मेरा। इसमें आज करीबन 3 फूल आए हैं और एक छोटा सा बर्ड भी आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा फूल है, काफ़ी खूबसूरत फूल है। और मुझे लगता है हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जो सबसे लो मेंटेनेंस है। आप इसे थोड़ी सी खाद महीने में और थोड़ी सी और पानी पानी दोस्तों मैं बता दूं कि आपको इसको पानी गर्मियों में थोड़े से अच्छे वाले इन द सेंस कि आप इसे पानी करीबन ऐसा रखें कि मिट्टी हमेशा हमेशा गीली रहे। क्योंकि आप अगर आपकी मिट्टी गीली रहेगी तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स के लीव, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। और इसे महीने में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, गोबर खाद या फिर थोड़ा सा जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डालें, केमिकल ही ना डालें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ये होता है कि ये ज़्यादा हार्म भी नहीं करता और काफ़ी खूबसूरत भी फूल आ सकते हैं। देखिए कितने प्यारे फूल आए हुए हैं, ऑरेंज कलर में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी जो पॉट की साइज़ है वो आप देखिए, और जो इसकी पॉट की साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी ले, क्योंकि इस पौधे को मतलब बढ़ना ही है दिन पे दिन। और थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा भर गया है रूट से वगैरह वगैरह, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट की इसको रूट कैसे ऐसे निकालें और साइड से जितने भी एक्स्ट्रा रूट निकले हुए हैं मेन रूट छोड़ के इसको काट दें। इससे क्या होता है कि आपका प्लांट मतलब फिर से उसको रूट जनरेट करने का मौका मिल जाता है। और आप ही देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं ये। अभी करीबन 3 आए हुए हैं, कल मुझे लगता है एक और आएगा। अभी छोटे छोटे बर्ड्स भी आप देखिए, काफ़ी सारे नंबर ऑफ बर्ड्स में इधर ये छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पे है। ये काफ़ी खूबसूरत पौधा है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसे धूप बहुत पसंद है फ्रेंड, इसे तो आप अच्छे लोग ऐसे लोकेशन पर रखिए जहाँ सनलाइट दिन के 6-7 घंटे आती ही हों। मतलब इसे शेडी एरिया नहीं पसंद है, जितना धूप उतने सुंदर फ्लावर, उतने सुंदर लीफ। चलिए फिर, थैंक यू फ्रेंड एवरीवन।